नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सक्सेस स्किल शिक्षा एकेडमी में। मेरा नाम है आनंद मिश्रा। एमपी जीके की क्लास 22 ये आपकी होगी और जिसमें हम आज रीवा संभाग और रीवा तथा सतना जिले के बारे में इंफॉर्मेशन प्राप्त करेंगे। ये जो फैक्ट्स मैं आपको बता रहा हूँ, एमपीपीएससी प्री, कुछ हद तक एमपीपीएससी मेंस, एमपीपीएससी इंटरव्यू, व्यापम के जितने भी एग्जाम्स आ रहे हैं उन सब में मध्य प्रदेश से रिलेटेड जो भी प्रश्न आते हैं उन सभी के लिए यूजफुल है। तो यदि आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और रेगुलरली ये वीडियोस अपलोड हो रहे हैं और बहुत सारे और सब्जेक्ट भी आपके स्टार्ट करने के लिए मैं जा रहा हूं, तो आप उसमें जुड़े रहें, अपना सहयोग प्रदान करें, कमेंट करें, जो भी आपका सुझाव है वो जरूर दें। मध्य प्रदेश में रीवा संभाग की यदि अवस्थिति देखी जाए तो यहां पर है, बुंदेलखंड के बगल से यहाँ पर ये क्षेत्र आपका पूरा रीवा संभाग यहाँ पर आता है। इसमें चार जिले आते हैं आपके, सतना, रीवा, सिंगरौली और सीधी, ये चार जिले इसके अंतर्गत आते हैं। अब यदि मैं बात करूँ जिला रीवा की, तो रीवा में सबसे पहले हमें जो जानना है वह है यह जिला उत्तर पूर्व में उत्तर प्रदेश की सीमा से लगता है। इसका आकार लगभग त्रिभुजाकार है। यह 1956 में जिला बना, तो रीवा को जिला बनाया गया था 1956 में। इसका पूर्व नाम भथा भी था, रीवा को पहले भथा के नाम से भी जाना जाता था। रीवा जिले को सफेद शेरों की भूमि भी कहा जाता है, रीवा जिले को सफेद शेरों की भूमि भी कहा जाता है। यहाँ के राजा रामचंद्र के दरबार में, याद रखिएगा, यहाँ के राजा रामचंद्र के दरबार में तन्ना मिश्र यानी तानसेन थे। तो तानसेन का असली नाम क्या था? तन्ना मिश्र था। ये किसके दरबार में थे? रीवा के राजा रामचंद्र के दरबार में थे, जो अकबर के 9 रत्नों में से एक हैं। ठीक है, तानसेन समारोह लेकिन ग्वालियर मनाया जाता है, याद रखिएगा। और यहाँ के राजा के दरबार में आपके तानसेन थे। मध्य प्रदेश के पुनर्गठन 1956 के पूर्व रीवा जो था वो विंध्य प्रदेश की राजधानी हुआ करता था। जब 1956 में मध्य प्रदेश पुनर्गठन हुआ तो उसके पहले यह विंध्य प्रदेश की राजधानी हुआ करता था। बीहड़ नदी पर प्रदेश का सबसे बड़ा जलप्रपात चचई जलप्रपात 130 मीटर है। अब यहां पर एक चीज और है, कुछ लोग मुझे फैक्ट्स बता रहे हैं और मैंने देखा भी ऑनलाइन के बहुटी को सबसे ऊंचा जलप्रपात बताया जा रहा है, लेकिन दोस्तों विकिपीडिया पे ये अपडेटेड है, मैं मान रहा हूं उसको, लेकिन किताबों में अभी भी चचई है। मैंने किसी भी किताब में अभी बहुटी को नहीं देखा है। और मेरी बात मानिएगा, मध्य प्रदेश पीएससी या व्यापम के एग्जाम ये किताबों को ही मानते हैं, तो आप भी जानते हैं किस प्रकार के उटपटांग प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर बहुत ही सोच समझ के आप ऑप्शन को चूज करिएगा। जब तक किताबों में कोई चीज अपडेट ना हो जाए तब तक उसको जहां तक हो सके आप इग्नोर ही कीजिएगा, ठीक है। हालांकि बहुटी के बारे में मेरे पास लोगों ने रिस्पॉन्स दिया कि बहुटी आपका हो गया है, नहीं चाहिए। अब बीहड़ नदी पर जो सबसे बड़ा जलप्रपात है, बीहड़ नदी के बारे में भी बताया गया, बीहड़ नदी पर नहीं है, ये किसी दूसरी नदी के ऊपर है, ये भी मुझे बताया फैक्ट, जहां तक वो मुझे रवि सर ने बताया तो उन्होंने सही बताया होगा, घाघरा ऐसा कुछ नदी नाम है, वो आपको कंफर्म कर दूंगा अगले वीडियो में, अभी मेरे पास यहाँ पर रिटर्न नहीं है वो, तो चेक कर लेना। मैंने पढ़ा है बीहड़ नदी के ऊपर, हालांकि मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है दूसरी नदी के ऊपर है, लेकिन चचई जलप्रपात जो आपका है, ठीक है, वो आपका 130 मीटर ऊंचाई पर है, ठीक है। त्योंथर यहां पर एक पुरातत्व स्थल भी है और त्योंथर यहां की एक तहसील भी है। रीवा में पुलिस मोटर वर्कशॉप आपका है, पुलिस मोटर वर्कशॉप जो आपका है वो रीवा में है। मध्य प्रदेश का एकमात्र सैनिक स्कूल आपका रीवा में है, एकमात्र सैनिक स्कूल जो मध्य प्रदेश का है वो रीवा में ही है। सिंधिया स्कूल आपका ग्वालियर में है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बिछिया नदी के तट पर बसा हुआ है रीवा, रीवा किस नदी के तट पर बसा है? तो बिछिया नदी के तट पर बसा हुआ है। गोविंदगढ़ जो यहां पर स्थान है, यहां पर सफेद शेर पाए जाते हैं, आम अनुसंधान केंद्र है, और जहां तक मैं गलत नहीं हूं शायद रीवा को ही आम जिला भी घोषित किया गया है शायद, ठीक है, आप इसको चेक कर लीजिएगा। आम अनुसंधान केंद्र यहां पर रीवा में ही है। पुलिस वाहन प्रशिक्षण शाला जो है वो यहां पर है, तो शस्त्र प्रशिक्षण शाला आपकी अलग जगह पर है, ट्रेनिंग अलग जगह पर, वाहन प्रशिक्षण शाला कहां पर है? वाहन प्रशिक्षण शाला आपकी रीवा में है। एशिया में सबसे बड़ा तालाब भी आपका गोविंदगढ़ में है, रीवा में है, ठीक है, ये आपको ध्यान देना है, रीवा के गोविंदगढ़ में है। केवटी नदी पर केवटी जलप्रपात, सिरमौर में टोंस जल विद्युत केंद्र है, तो सिरमौर एक जगह है यहाँ के स्थान है जहां पर टोंस विद्युत केंद्र है, जिसकी क्षमता लगभग 315 मेगावाट है। ये मेगावाट की डेटा में अंतर आ सकता है, कई बुक्स में अलग अलग लिखा होता है, तो मैंने जहां से लिखा है वहां 315 मेगावाट है, आप इसको चेक कर लीजिएगा। सिरमौर में टोंस जल विद्युत प्रपात है, विद्युत केंद्र है यहां पर। विंध्य प्राधिकरण, विंध्य विकास प्राधिकरण का मुख्यालय भी आपका रीवा में है, तो विंध्य विकास प्राधिकरण का मुख्यालय कहां पर है? वह आपका रीवा में है। देवकोठर स्तूप अशोककालीन स्तूप है जो आपका रीवा में पाया जाता है।
इसके अलावा यदि देखा जाए तो रीवा जो है यहाँ पर आपकी आगे जो फैक्ट्स में भी आपको बताया है मैंने यहाँ पर कि यहाँ पर जिप्सम, चूना पत्थर, बॉक्साइट खनिज प्राप्त होते हैं। रीवा में महामृत्युंजय का आपका मेला लगता है। यहाँ सुपाड़ा या सुपाड़ी के खिलौने बनाए जाते हैं, ठीक है, सुपाड़ा या सुपाड़ी से यहाँ पे खिलौने बनाए जाते हैं। कहाँ पर? रीवा में बनाए जाते हैं। यहाँ कला वहाँ की प्रसिद्ध है। महामृत्युंजय का मेला यहाँ पर लगता है, ठीक है। ऐसी स्पेशल इकोनॉमिक जोन यानी विशेष आर्थिक क्षेत्र रीवा को भी बनाया गया है। बाणसागर परियोजना यहाँ पर देवलोद में है। फॉरेस्ट गार्ड ट्रेनिंग स्कूल भी रीवा में है। देख कितने सारे फैक्ट्स आ रहे हैं। फॉरेस्ट गार्ड ट्रेनिंग स्कूल भी यहाँ पर है, पुलिस वाहन ट्रेनिंग स्कूल भी यहाँ पर है। जबरिया लेवी के विरुद्ध चावल आंदोलन रीवा में चलाया गया था। तो यहाँ पे जबरिया लेवी, इसका डिटेल्स मेरे पास नहीं है, मैं सर्च करूंगा अभी, मैं ज्यादा इसकी जानकारी जबरिया लेवी क्या है, लेकिन इसके विरुद्ध एक चावल आंदोलन चलाया गया था, वह आपका रीवा में ही चलाया गया था। खनिजों में यहाँ पर यदि और देखूं मैं ऊपर वाले खनिजों के अलावा, तो यहाँ पर डोलोमाइट, गेरू, कोरंडम आदि भी मिलते हैं। और यहाँ के प्रमुख उद्योग जो है रीवा के, वो सीमेंट तथा कत्था उद्योग है। सोन नदी पर स्थित बाणसागर परियोजना का मुख्यालय रीवा है। तो सोन नदी के ऊपर जो बाणसागर परियोजना है उसका मुख्यालय है वो रीवा में है। पहला सौर विद्युत ऊर्जा केंद्र भी रीवा में ही स्थापित किया गया है प्रदेश का। जिले को चार प्राकृतिक विभागों में विभाजित किया जा सकता है, कैमूर पहाड़, बिंज पहाड़, रीवा पठार एवं निम्न उत्तरी मैदान। तो इतने भागों में आप रीवा जिले को विभाजित कर सकते हैं। अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय जिसकी स्थापना 1968 में की गई थी, वह आपका रीवा में है। पुरातत्व अभिलेखागार एवं संग्रहालय, यह भी आपका रीवा में है और 1956 में इसकी स्थापना की गई थी। सर्वाधिक ग्रामीण आबादी वाला जिला जो आपका है वह रीवा ही है। तो रीवा में आपके सर्वाधिक ग्रामीण आबादी वाला जिला पाया जाता है। चलिए अगला जो हमारा जिला है वह है सतना जिला। सतना जिला में भीर सिंहपुर में 500 मेगावाट की ताप विद्युत इकाई स्थापित की गई है। महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विद्यालय चित्रकूट सतना में ही है, जिसके संस्थापक नानाजी देशमुख थे। भारत का 10% सीमेंट उत्पादन सतना जिले से होता है। सोचिए कितना ज्यादा यहां से सीमेंट उत्पादन होता है कि पूरे भारत का 10% सीमेंट का उत्पादन सतना जिले से होता है। यहां पर रामनगर में तुलसी संग्रहालय है, क्योंकि चित्रकूट पास में है तो यहां पर तुलसी संग्रहालय है। भरहुत अशोककालीन स्तूप की खोज अलेक्जेंडर कनिंगम ने की थी। तो भरहुत का अशोककालीन स्तूप है जिसकी खोज अलेक्जेंडर कनिंगम ने की थी। मैहर माता शारदा का स्थान है, त्रिकूट पर्वत पर स्थित है। उस्ताद अलाउद्दीन खां संगीत अकादमी यहीं पर है। उस्ताद अलाउद्दीन खां की जन्मस्थली भी है। पवित्र नगर भी इसको कहा जाता है। और साथ में चीनी यात्री फाहियान ने यहाँ की यात्रा की थी। मैहर जो नाम पड़ा है ये इस तरीके से पड़ा था कि जब माता सती ने अग्निकुंड में प्रवेश किया था और प्रभु भगवान भोलेनाथ उनको अपनी गोद में लेकर जब तांडव कर रहे थे, तो उस वक्त त्रिकूट पर्वत के ऊपर आकर माँ सती का हार गिरा था और हार गिरने के नाम से ही इसका नाम मैहर पड़ गया था। ऐसी यहाँ पर किदवंती प्रचलित है। एक और किदवंती जो पिछली वीडियोज में भी आपको बता चुका हूँ मैहर के बारे में, कहा जाता है कि मैहर माता के माँ शारदा के परम भक्त आल्हा, इन्होंने यहाँ पर अपना शीश चढ़ाया था। और आज भी यह माना जाता है कि सुबह 4 बजे के पहले आल्हा यहाँ पर आकर प्रथम पूजा मैहर माता की करते हैं। बहुत ही पवित्र, बहुत ही सिद्ध स्थान है। कभी आपको मौका मिले यहाँ पर जरूर जाइएगा। मैं यहाँ पर गया हूँ बचपन में भी, काफ़ी बार गया हूँ और अभी भी जाता रहता हूँ। तो बहुत ही पवित्र स्थान है यहाँ पर। नागौद जो है यहाँ पर गुप्तकालीन नसना कोठार मंदिर है। नसना कोठार मंदिर ये आई थिंक शिव पार्वती को समर्पित मंदिर है। गुप्तकालीन नसना कोठार मंदिर है। मझगवां में हीरा भंडार की यहाँ पर जानकारी प्राप्त हुई है। तो पन्ना जिले में तो आपके मिलते हैं हीरा, लेकिन यहाँ पर मझगवां में भी हीरा भंडार की जानकारी यहाँ पर प्राप्त हुई है। इसके अलावा देखा जाएगा चित्रकूट में ही अगर हम बात करें तो चित्रकूट जलप्रपात भी है। कामतगिरी, पंचमुखी हनुमान धारा, भरतकूप, सीता रसोई, कामतानाथ, गुप्त गोदावरी, भरत मिलाप स्थान आदि रामायणकालीन धार्मिक स्थल जो हैं वो आपके चित्रकूट में हैं, बहुत ज़्यादा फेमस है। भूमरा और खोह में गुप्तकालीन मंदिर यहाँ पर प्राप्त हुए हैं। भूमरा और खोह एक जगह है सतना में जहाँ पर गुप्तकालीन मंदिर प्राप्त हुए हैं। चूना एवं गेरू का शीर्ष उत्पादक जिला जो आपका है वह आपका सतना ही है। चूना एवं गेरू का शीर्ष उत्पादक जिला जो आपका है वो आपका सतना ही है। कुछ और फैक्ट्स यहाँ पर थोड़े से जान लेते हैं हम।
तुलसी महोत्सव ये चित्रकूट धाम में होता है, मंदाकिनी नदी के तट पर अवस्थित है। चित्रकूट कहाँ है? मंदाकिनी नदी के तट पर अवस्थित है। यहाँ पर अनुसुया आश्रम ब्रह्मा विष्णु महेश ने बालावतार जहाँ पर लिया था, तो अनुसुया आश्रम एक ऐसा स्थान है जहाँ पर ब्रह्मा जी ने, विष्णु जी ने, महेश जी ने या भगवान शिव ने यहाँ पर बालावतार लिया था, बहुत ही प्रसिद्ध है। यहाँ गधा मेला विख्यात है। दत्तात्रेय महाकांडेय का साधना स्थल भी है। सब मैं चित्रकूट के बारे में बात कर रहा हूँ, सब चीज़ें है ना। सतना में सीमेंट और गेरू उद्योग प्रचलित है क्योंकि सबसे ज्यादा यहाँ पर गेरू चूना मिट्टी पाई जाती है। नदियाँ यहाँ पर तमस, सतना, सेमरावल नदी यहाँ की प्रमुख नदियों में से एक है। मंदाकिनी भी है वैसे कहा जाए तो। सतना जिला राज्य में औद्योगिक और व्यापारिक जिलों में से एक है। तो सतना जिला जो है राज्य के औद्योगिक और व्यापारिक जिलों में से एक है। विंध्य श्रृंखलाओं से घिरे चित्रकूट को अनेक आश्चर्यों की पहाड़ी भी कहा जाता है। तो प्रश्न आपसे पूछा सकता है कि अनेक आश्चर्यों की पहाड़ी किसे कहा जाता है? तो चित्रकूट जो है उसको अनेक आश्चर्यों की पहाड़ी कहा जाता है और विंध्य श्रृंखलाओं से घिरी हुई जगह है। सतना चूना एवं सीमेंट उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। जैसा कि मैंने पहले भी बताया है कि देश का 10% से ज्यादा सीमेंट उत्पादन सतना जिले में ही किया जाता है। तो धीरे धीरे हम बढ़ते हुए सतना जिले तक आ चुके हैं और आगे हम सीधी सिंगरौली जिला भी, जो भी अलग अलग आपके जिले आएंगे वो सब हम आपके पढ़ेंगे, आपको मैं पूरा बताऊंगा। आपने अगर चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, उन लोगों तक पहुंचाएं जो बाकी कोचिंग के पैसे नहीं पढ़ सकते हैं, उनके लिए ही मेरा यह प्रयास है और इस प्रयास में आप मेरी सहायता प्रदान करें। थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ ग्रेट डे अहेड, बाय बाय, जय हिंद।